दोस्तों पर सबसे पहले तो मैं आपको आज का टॉपिक ही सीधा सीधा समझा देता हूँ। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि यार हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, हम क्या करें, हम ये यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं, यार कोई मोबाइल से तरीका बताओ। तो दोस्तों सीधा सीधा सबसे बेस्ट उपाय है कि आप क्रोम ब्राउजर का यूज करें। देखिए आपका ब्राउजर, आपको ब्राउजर फीचर्स की आवश्यकता होती है आपको यूट्यूब चैनल चलाने के लिए। दूसरी बात, चैनल आर्ट, चैनल के जो भी लोगो वगैरह है वो सारे ऑनलाइन बन जाते हैं, चैनल का एंट्रो वगैरह है सब कुछ ऑनलाइन बनता है। देखिए मैं जितना भी काम करता हूँ लगभग सारा का सारा जो है मोबाइल पर ही करता हूं। कोई एक दो काम होता है जो मुझे लैपटॉप पर करना जरूरी हो जाता है, जैसे बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना होगा, मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है मुझे, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं डायरेक्ट लैपटॉप में ये रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चले जाती है तो मैं वहां से कर देता हूं। लेकिन आप जो है अपने ब्राउजर फीचर की सहायता से सारा का सारा, जैसा यूट्यूब का जो इंटरफेस लैपटॉप में या कंप्यूटर सिस्टम में आता है वैसा ही आपके मोबाइल पर आने लग जाएगा। आपको सिर्फ एक सेटिंग करनी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने क्रोम ब्राउजर पर जाना है। क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद में आपको क्या करना होगा, क्रोम ब्राउजर के ऑप्शन में ऊपर थ्री डॉट्स मिलेंगे। देखिए क्रोम ब्राउजर का यूज करें, थ्री डॉट्स मिलेंगे, थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको मिलेगी डेस्कटॉप साइट। मतलब डेस्कटॉप साइट पर आपको क्लिक करते ही आपकी जितनी भी वेबसाइट है क्रोम ब्राउजर पर डेस्कटॉप की तरह चलने लग जाएगी। लेकिन कई क्रोम ब्राउजर अपडेटेड नहीं है तो उनमें एक फीचर आ रहा है कि ये फीचर जो है डेस्कटॉप वाला नहीं मिलेगा, मिल सकता, लेकिन लगभग लगभग सब में मिल जाएगा, आप अपडेट कर लीजिएगा। यदि नहीं मिलता है तो youtube.com टाइप करके आपको लिखना है और यूट्यूब के अंदर साइड में थ्री डॉट्स पर क्लिक करके ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पर आप क्लिक करते हैं फिर कंप्यूटर की तरह आपका पूरा लैपटॉप जो सॉरी कंप्यूटर का जो इंटरफेस यूट्यूब का आता है वही इंटरफेस यूट्यूब वेबसाइट का आपके मोबाइल पर आने लग जाएगा। सारा का सारा वर्क इजी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे मैं यूट्यूब चैनल नया क्रिएट करूँ, कैसे उन पर टैक्स क्या होते हैं, कैसे क्या क्या इंटरफेस की जरूरत होती है, क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, क्या नॉलेज चाहिए, क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, कैसे चलाए, कैसे मोबाइल से यूज, कैसे एडिटिंग करें, कैसे थंबनेल बनाए, कैसे क्या क्या करें, जो सारा क्वेश्चंस है आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बस आप कमेंट्स करके डालिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जितने लाइक मिलेंगे मैं उसी हिसाब से देखूंगा कि इस पर वीडियो बनाना, इस टॉपिक पर वीडियो बनाना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप भी चाहते होंगे कि इस ऐसे चैनल हम भी चलाएं यूट्यूब पर और हम भी कुछ सिखाए। देखिए बहुत सारे टीचर्स है, बहुत सारे लोग हैं जो जिनको बहुत सारा ज्ञान होता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, सिर्फ अपने स्कूल या कॉलेज 10-5 हज़ार तक सीमित हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको अपना डिजायर बहुत ऊंचा रखना है, बहुत ही ज्यादा डिजायर, जितना डिजायर ऊंचा रखोगे उतना ही ज्यादा आप सीखोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं बताना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इसके बारे में, तो देखिए ये सिंपल सा वे था तो मुझे अलग से वीडियो बनाकर ये बताना पड़ा। यदि आप YouTube चैनल के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितने कमेंट्स मेरे पास आएंगे उसी तरह से मैं पार्ट वाइज आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूंगा। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।